हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर प्रोटीन का फूड ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर के अंदर मॉड्यूल का क्या रोल होता है, मॉड्यूल क्या होता है, कितने सारे मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं, रूट मॉड्यूल क्या होता है, फीचर मॉड्यूल क्या होता है, सबके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में देखा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम, इसमें ये देखेंगे कि एंगुलर के अंदर डेकोरेटर्स का क्या रोल है, कौन कौन से कॉमन डेकोरेटर्स हैं, डेकोरेटर का टाइप क्या होता है, डेकोरेटर हम क्यों यूज करते हैं, इनका क्या रोल होता है, सबको हम देखने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो बने रहिए इस सीरीज में और एक एक मिनट हर वीडियो का इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए और समझिए। जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक एक चीज़ अपडेटेड और बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का। आपका सारा डाउट हम क्लियर करके एक अच्छा सा एक प्रोफेशनल की तरफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है, डेकोरेटर्स इन एंगुलर, तो एंगुलर में डेकोरेटर्स का क्या रोल है, इसको हम डीपली बिल्कुल ही प्रोजेक्ट में जाकर देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और आपको लिए चलता हूँ स्क्रीन पर। तो हम देखने वाले हैं एंगुलर डेकोरेटर्स, जिसमें पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि डेकोरेटर होता क्या है, फिर हम देखेंगे कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के डेकोरेटर होते हैं। हालांकि बहुत सारे डेकोरेटर होते हैं जिसको हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे, लेकिन जो मेन डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में आज के वीडियो में समझना जरूरी है। क्योंकि आज अगर अच्छे से आपने समझ गए कि डेकोरेटर क्या होता है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में जो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे एक एक डेकोरेटर के बारे में, तो आज का कंसेप्ट वहाँ पर आपका काम आएगा। तो देखिए, डेकोरेटर्स आर ए फीचर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, ए टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है, आर इम्प्लीमेंटेड ए फंक्शन, जिसको हम एक फंक्शन की तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो मॉड्यूल था, एक क्लास होता है, मॉड्यूल क्या होता है, एक क्लास होता है, उसके ऊपर इन एडरेट एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर लगा हुआ था, जिसके चलते वो क्लास एक डेकोरेटर के चलते एक मॉड्यूल बन गया। तो मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर, डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में अगर एडरेट लगा हो और पोस्टफिक्स में पैरेंथेसिस लगा हो, तो आप समझ जाइए कि वो एक डेकोरेटर है। तो डेकोरेटर क्या होता है, ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए हो गया कि किसी वर्ड के प्रीफिक्स में एडरेट लगा हो और पोस्टफिक्स में फंक्शन का पैरेंथेसिस लगा हो, तो एक डेकोरेटर हो गया। तो पैरेंथेसिस के चलते ही यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक फंक्शन की तरह ये काम करता है। द नेम ऑफ डेकोरेटर स्टार्ट विथ एडरेट सिंबल, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉलोइंग बाई ब्रैकेट्स एंड आर्गूमेंट्स, मतलब फंक्शन की तरह इसमें ब्रैकेट होता है। डेकोरेटर्स आर सिंपली फंक्शन डेट रिटर्न्स फंक्शन, डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो फंक्शन ही रिटर्न करता है। दिस फंक्शन सप्लाई मेटा डेटा टू एंगुलर अबाउट ए पर्टिकुलर क्लास, प्रॉपर्टी, वैल्यू और मेथड। देखिए, यहाँ पर बहुत ही कैटेगराइज करके मैंने लिख दिया है कि ये जो फंक्शन है आपको मेटा डेटा प्रोवाइड करता है एंगुलर को, किसके बारे में, किसी पर क्लास के लिए, किसी डेको प्रॉपर्टी के लिए, किसी वैल्यू के लिए और मेथड के लिए। अब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने मॉड्यूल दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डेकोरेटर किस तरीके से आपको मेटा डेटा प्रोवाइड करता है, किस तरीके से किसी मेथड को भी प्रोवाइड करता है, किस तरीके से कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, हर चीज़ हम स्टेप बाई स्टेप समझेंगे। अगला चीज़ है कि डेकोरेटर्स आर इन्वोक्ड एट रन टाइम, डेकोरेटर क्या करता है, रन टाइम पर इन्वोक होता है, इसका भी एग्जाम्पल दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा कि रियली हाँ ये रन टाइम पर इन्वोक हो जाता है, ठीक है। डेकोरेटर्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एडेट कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट द कंपोनेंट फंक्शन इंपोर्टेड फ्रॉम एंगुलर प्रोटीन, ये भी हम दिखाएंगे अभी चलेंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट में चल कर हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, फिर हम यहाँ पर आएंगे कि कौन कौन से डेकोरेटर होते हैं, ठीक है। एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर क्या कहते हैं, मॉड्यूल को डिफाइन करता है, जो हमने मॉड्यूल में आपको दिखाया। कंपोनेंट डेकोरेटर क्या कहते हैं, कंपोनेंट को डिफाइन करता है। इंजेक्टेबल डेकोरेटर होता है, जो सर्विस को डिफाइन करता है, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर जो होते हैं, जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, दैट सेंस एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द डोम, मतलब इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर के बारे में हम बिल्कुल ही अच्छा सा वीडियो बनाकर आपको देंगे, जिसमें हम दिखाएंगे कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन जब हो दो कंपोनेंट के बीच में, तो हम दोनों कंपोनेंट के बीच में डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। अगर पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा भेजना हो, चाइल्ड से पेरेंट पर डेटा भेजना हो, तो कैसे भेजते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं,
ठीक है, उससे पहले मैं आपको इनपुट और आउटपुट प्रॉपर्टी के बारे में भी समझाएंगे जो एंगुलर 2 और 4 में ज़्यादा यूज होता था, अभी भी आप यूज कर सकते हैं, जो एडिट इनपुट डेकोरेटर और एडिट आउटपुट डेकोरेटर के आने से पहले यूज होता था। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। कितने टाइप का डेकोरेटर होता है यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन वाइज समझिए, तब आपको ये चीज़ कोड में आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेकोरेटर क्लास टाइप का हो सकता है जिसका अपना क्लास हो, जैसे ng मॉड्यूल डेकोरेटर, आप मॉड्यूल के फाइल में देख रहे थे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो वहाँ पर डेकोरेटर के नीचे क्लास था, तो उस क्लास को जैसे ही डेकोरेटर इन्वोक होगा, रन टाइम पर इन्वोक हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो अपने क्लास को लोड कर देता है। तो क्लास लेवल का डेकोरेटर था जिसका अपना क्लास है, जैसे कंपोनेंट डेकोरेटर, वहाँ पर भी अपना क्लास होता है इसका, तो क्लास लेवल का डेकोरेटर हो गया ये। प्रॉपर्टी डेकोरेटर, प्रॉपर्टी डेकोरेटर कौन सा होता है, इनपुट और आउटपुट, इससे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल एक एक चीज़ हमने पॉइंट बाई पॉइंट तोड़ तोड़ के यहाँ पर लिख रखा है और तोड़ तोड़ को समझा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, जो हम आगे बताएंगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उसको भी अच्छे से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जो डाउट होगा हमें कमेंट्स के थ्रू पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो मेथड डेकोरेटर होता है जो मेथड को फायर कर सकता है। ठीक है, तो मेथड टाइप का डेकोरेटर हो गया। एक पैरामीटर डेकोरेटर होता है जो पैरामीटर लेता है, जो इंजेक्टेबल होता है, जब हम सर्विस पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर इंजेक्टेबल मिलेगा इंजेक्ट करने के लिए, तो वो एक क्या होता है, पैरामीटर डेकोरेटर। तो बहुत सारे डेकोरेटर हमें आगे आने वाले वीडियोज में देखना है, तो उसको हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ईच डेकोरेटर हैज़ ए यूनिक रोल, हर डेकोरेटर का अपना एक यूनिक रोल होता है। ठीक है, देखिए मेथड डेकोरेटर क्या होता है, कि मेथड में कोई मेथड है तो उसके ऊपर हम कोई डेकोरेटर लगाते हैं, तो जैसे ही डेकोरेटर फायर होगा अपने आप, तो उसके नीचे वाला मेथड, जस्ट उसके नीचे वाला मेथड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अगर बेस्ट एग्जांपल बोला जाए मेथड डेकोरेटर के लिए, तो एक हॉस्ट लिस्टनर डेकोरेटर होता है, मेथड डेकोरेटर के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल इसका होता है। ठीक है, बेस्ट आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एज ए मेथड डेकोरेटर, तो इसका भी एग्जाम्पल हम करके एक सेपरेट वीडियो देंगे कि हॉस्ट लिस्टनर कैसे काम करता है। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में, और वहाँ पर आपको डेकोरेटर के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है माई एंगुलर ऐप, जो हमने पिछले वीडियोज में हमने क्रिएट किया था, इसी प्रोजेक्ट पर हम लोग प्रैक्टिकल और एग्जांपल करते आ रहे हैं, तो इसी प्रोजेक्ट में हम देखेंगे मॉड्यूल के बारे में भी, सॉरी डेकोरेटर के बारे में भी, क्योंकि मॉड्यूल के बारे में हमने इसी प्रोजेक्ट में देखा था। देखिए हम बता रहे हैं कि डेकोरेटर क्या होता है, जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में एड्रेट और पोस्टफिक्स में 33 लगा हो फंक्शन का, उसे हम डेकोरेटर बोलते हैं। जैसे ये ऐप मॉड्यूल है, तो यहाँ पर देखिए लगा हुआ है क्या, @ng मॉड्यूल, तो मॉड्यूल के अंदर अगर आप यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्लास है, इसके ऊपर जस्ट ये डेकोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास क्या हो गया, मॉड्यूल, इस डेकोरेटर ने, ये डेकोरेटर इस मॉड्यूल को डिफाइन कर दिया, मतलब ये इस क्लास को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये डेकोरेटर कौन सा, किस लेवल का डेकोरेटर है, क्लास लेवल का, क्लास टाइप का डेकोरेटर है, जो इस जिसका अपना क्लास है। ठीक है, अब मेटा डेटा का बात हो रहा था, देखिए इस डेकोरेटर के अंदर जितने भी ये आप सेक्शन बने हुए देख रहे हैं, ये सारे मेटा डेटा हैं, जैसे डिक्लेरेशन, ठीक है, इम्पोर्ट, प्रोवाइडर, बूटस्ट्रैप, एक्सपोर्ट, ये सब मेटा डेटा है किसका, इस डेकोरेटर का, जो इस डेकोरेटर को, इस क्लास को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, अब ये देखिए ये मॉड्यूल क्लास है, मॉड्यूल बन गया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस मॉड्यूल के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, तो इसके इस क्लास का जो डेकोरेटर है यही बताएगा, इसके मेटा डेटा ही बताएगा, जिसके अंदर जितना कंपोनेंट का नेम होगा, इससे पता चलेगा आपको कि इस मॉड्यूल के अंदर इतने कंपोनेंट हैं। यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर मॉड्यूल रखते हैं, तो हमें पता चलेगा यहीं से, इसके मेटा डेटा से ही, कि इस मॉड्यूल के अंदर कितने और भी मॉड्यूल यूज हो रहे हैं। इसके प्रोवाइडर से पता चलेगा कि कितने सर्विस और क्लास यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप से पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट पहले लोड होगा, मतलब कंप्लीटली इसका मेटा डेटा ही इस क्लास को डिफाइन कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप कंपोनेंट पर जाते हैं, तो ये भी कंपोनेंट पर भी एक ऊपर डेकोरेटर लगा हुआ है, अगर इसको भी आप हटा देंगे तो ये क्लास हो जाएगा, इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है @ कंपोनेंट। ठीक है, तो एड्रेट कंपोनेंट और पोस्ट में फिक्स में देखिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है फंक्शन वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लास लेवल का डेकोरेटर। अब ये भी, इसका भी अपना मेटा डेटा है, सिलेक्टर, टेम्पलेट URL, स्टाइल URL, ये सारे मेटा डेटा हैं इसके। ठीक है, तो ये कंपोनेंट डेकोरेटर के जो मेटा डेटा है वही डिफाइन कर रहे हैं इस क्लास को, इस कंपोनेंट को, कि ये कंपोनेंट कहाँ दिखेगा,
क्योंकि इस डेकोरेटर के पास ही इसका सिलेक्टर है। इसका सिलेक्टर हम जहाँ पर रखेंगे वहीं पर कंपोनेंट दिखेगा। ये कंपोनेंट कैसा दिखेगा तो इसी डेकोरेटर के पास ही टेम्पलेट वायरल है, इसके स्टील पर जो डिजाइन करेंगे वैसा ही दिखेगा। ठीक है, स्टाइल वायरल इसी के पास है, जैसा आप सी एस एस देखेंगे वैसा दिखेगा। तो सब कुछ ये डेकोरेटर ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डेकोरेटर है यही अपने क्लास का के ऊपर लगा हुआ है, तो क्लास को डिफाइन करेगा। हम आगे मेथड डेकोरेटर पढ़ेंगे हाउस स्टेशनर, तो देखिएगा वो एक मेथड के ऊपर लगा रहेगा, तो मेथड डेकोरेटर होगा, उस मेथड को कॉल कर देगा। तो हमने एक चीज़ और बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक क्लास टाइप का डेकोरेटर है, और मैंने बताया कि डेकोरेटर अपने आप कॉल हो जाता है। तो जिस भी लेवल का क्ला डेकोरेटर होता है, उस अपने जैसे क्लास लेवल का डेकोरेटर है तो अपने क्लास को कॉल कर देगा। अब इसको समझने के लिए हम कैसे आप समझ पाएंगे, इसको समझने के लिए एक चीज़ समझिए। देखिए, आपको पता है कि किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तब वो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्लास है ऐप कंपोनेंट, मॉड्यूल के अंदर भी आप देख रहे हैं ये भी क्लास है ऐप मॉड्यूल। ठीक है, इस दोनों के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंसोल इसके अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने दिखाया था आपको, ठीक है वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी है। इन दोनों क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इस दोनों क्लास का नहीं बनाया है। तो जैसे ही रन कराएंगे हम प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि दोनों क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है अपने आप। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है। ठीक है, जय अगर मैं एक दूसरा क्लास इसके नीचे बना दूं या फिर उसके यहाँ पर दूसरा कोई क्लास बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि उस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इसके स्कोप से बाहर हो जाएगा। जिस क्लास के ऊपर ये डेकोरेटर लगा रहेगा उसी क्लास को लोड करेगा। देखिए, अभी मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। मैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्टमेंट करके देखेंगे, ये पिछले क्लास का ही डेमो का है, पिछले ही वीडियो का। देखिए, तो आप कंसोल में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूल कंस्ट्रक्टर और कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है अपने आप, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। इससे ये पता चलता है कि डेकोरेटर क्या करता है, रन टाइम पर अपने आप इन्वोक हो जाता है और अपने क्लास को लोड कर देगा। अगर क्लास लेवल का डेकोरेटर है तो अपने क्लास लोड करेगा, प्रॉपर्टी लेवल का है तो प्रॉपर्टी को लोड करेगा, अगर मेथड लेवल का डेकोरेटर है मेथड को फायर कर देगा। ठीक है, अगर आपको इसको और भी अच्छे से समझना है तो देखिए, मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, इसी कंपनी पर एक दूसरा क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्लास बनाते हैं, क्लास ए बी सी, किसी भी नेम से क्लास बना दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, और इसमें अगर मैं कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखता हूँ कि ए बी सी कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो देखिएगा कि ये ए बी सी कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम इसे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डेकोरेटर का स्कोप से बाहर है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे वाला क्लास लोड होता है। आप जाके ब्राउजर पर देखिए, देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए, वो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर बता रखा है कि डेकोरेटर्स आर इन्वोक्ड एट रन टाइम, डेकोरेटर्स अपने आप रन टाइम पर इन्वोक हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी लिख रखा है कि कौन कौन सा डेकोरेटर, जैसे एनजी मॉड्यूल आपको पता चल चुका है कि इस तरीके से मॉड्यूल को डिफाइन करता है, कंपोनेंट डेकोरेटर कैसे कंपोनेंट को डिफाइन करता है, क्योंकि इसके ही मेटा डाटा उस कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे। इंजेक्टेबल के बारे में जब मैं सर्विस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इंजेक्टेबल के बारे में बताऊंगा। इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर का भी मैं सेपरेट वीडियो दूंगा, ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड पर भेजते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट पर डेटा भेजते हैं। ये बिल्कुल भेज के हम और रिसीव करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आप लोग को ये भी बताया कि किस किस टाइप का डेकोरेटर होता है। क्लास टाइप के डेकोरेटर में आपको समझ में आ गया कि दोनों क्लास था अपना, प्रॉपर्टी टाइप के डेकोरेटर जब हम इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। हॉस्ट लिस्टनर का वीडियो मैं जस्ट इसके बाद अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं इस मेथड डेकोरेटर का एग्जाम्पल सिखाऊंगा। जैसे देखिएगा जिस तरीके से ये डेकोरेटर कंपोनेंट और एनजी मॉड्यूल अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे थे क्योंकि उसके नीचे क्लास था, उसी तरीके से हॉस्ट लिस्टनर जब मैं जिस भी मेथड के नीचे लिखूँ, जिस भी मेथड के ऊपर लिखूंगा वो मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। इसको किसी ना किसी इवेंट पर फायर कराया जाता है तो अपने आप फायर हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे वाला मेथड कॉल नहीं होगा। ठीक है, जस्ट उसके नीचे वाला, जैसे मान लीजिए इसके हॉस्ट लिस्टनर के नीचे मैंने ए बी सी मेथड बनाया था, ए बी सी मेथड कॉल कर दिया, ए बी सी के नीचे अगर मैं एक्स वाई जेड मेथड बना देता एक्स वाई जेड को कॉल नहीं करेगा, जस्ट इसके नीचे वाले मेथड को फायर कर देगा। इसका एग्जाम्पल बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा अगला वीडियो। अगले वीडियो में हम इसको दिखाएंगे बहुत ही डीपली कोड के साथ और डेमो करके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डेकोरेटर के बारे में, कि डेकोरेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कॉमन डेकोरेटर कौन कौन से हैं। तो फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो बिल की नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर नोटिफिकेशन देख नहीं मिलेगा जब तक आप बिल के आइकन को क्लिक नहीं करते, तो बिल का आइकन जरूर क्लिक करिएगा। एक दूसरा चीज़ कि आपको हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखते रहना है कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है किसी रीजन से, लेकिन वीडियो अपलोडेड रहता है। तो आप सीरियसली पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी एंगुलर, तो आप वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा साहू साहब का तो हम देखेंगे। हो सकता है नोटिफिकेशन ना गया हो, वीडियो अपलोड हो गया हो, तो आप जाकर चैनल पर, हमारे साहू साहब चैनल पर, वहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक भी थैंक यू सो मच।